हम हैं मीरा भाईंदर के सुंदर सरोवर कॉम्प्लेक्स में, जो कि 145 विधानसभा क्षेत्र में आता है। कल होने जा रहे लोकसभा इलेक्शन में यहाँ के रहीवासियों ने विरोध जताते हुए नोटा का बटन दबाने का फैसला किया है। ये सारा मुद्दा क्या है, आइए जानते हैं। मीरा भाईंदर के सुंदर सरोवर कॉम्प्लेक्स के लोगों ने कल होने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। इस कॉम्प्लेक्स में करीब 3000 से अधिक लोग रहते हैं और 1200 से 1500 लोग वोटर हैं। यह कॉम्प्लेक्स 145 विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहां वर्तमान में चारों नगर सेवक भाजपा के हैं। यहां के लोगों का कहना है कि पिछले 2 सालों से पानी की कमी के कारण बहुत परेशानी हो रही है और इसकी शिकायत उन्होंने नगर सेवक से लेकर महानगर पालिका तक के अधिकारियों तक किया गया है, लेकिन कोई जमीनी कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि हाल में हुए नगर पालिका के चुनाव के वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह ऐलान किया था कि मीरा भाईंदर में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि 24 मिनट भी पानी को लोग तरसते नजर आ रहे हैं। इसी कारण यहाँ के लोगों ने इस बार को नोटा का बटन दबाकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनका कहना है कि जिस तरह वह हमें ठग रहे हैं, इस तरह हमें हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, नोटा। के जो लोग आज यहाँ जमा हुए हैं, इसके पीछे आप लोगों का क्या मकसद है? इसके पीछे एक ही मकसद है कि कल इलेक्शन होने वाला है, कल एमपी का इलेक्शन है और इन लोगों ने, पूरा कॉम्प्लेक्स के लोगों ने डिसाइड किया है सिर्फ पानी की वजह से कि वो लोग बहिष्कार कर रहे हैं इलेक्शन के ऊपर। उनका एक ही डिसीजन है कि हम लोग कल नोटा। अच्छा, आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका क्या नाम है और ये कहाँ पे स्थित है, इसमें कितने फ्लैट और कितने मतदाता? नाम है सुंदर सरोवर, मीरा रोड मेन लोकेशन में, सिलो पार्क के बाजू में हम लोग का लैंडमार्क सिलो पार्क है, सुंदर सरोवर है। यहाँ पे पिछले 14 साल से लोग यहाँ पे 15 साल से रह रहे बराबर है। यहाँ पे टोटल 14 बिल्डिंग सुंदर सरोवर का है, 3 बिल्डिंग ग्रीष्मा कॉम्प्लेक्स का है, मिला के टोटल 500 फ्लैट यहाँ पे है, शॉप सब पकड़। टोटल कितने मतदाता है यहाँ पे? कम से कम पब्लिक जो है वो 2500 के ऊपर पब्लिक है और वोटिंग कम से कम 1500 के ऊपर वोटिंग है यहाँ पे। तो आप लोगों ने ये फैसला किया है कि आप नोटा का इस्तेमाल करेंगे? ये लोगों का फैसला है, यहाँ के जो लोग हैं उनका ये फैसला है कि पानी नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, ये पानी की समस्या कितने सालों से? पानी की समस्या कम से कम मुझे यहाँ पे आके 10 साल हो गया। पानी की समस्या यहाँ पे अभी कम से कम ये 2-3 साल में तो ज्यादा है, पहले इतना समस्या नहीं थी। बराबर है, लेकिन अभी यहाँ पे इतनी समस्या, और पिछले हम लोग 1.5-2 साल से हम लोग ने कम से कम यहाँ के मीरा भाईंदर के जितने भी यहाँ के लोकल स्थानिक नगर सेवक है, मीरा भाईंदर के विरोधी पक्ष नेता है, मीरा भाईंदर की शिवसेना के शहर प्रमुख है, मीरा भाईंदर के जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हो, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हो, आपको बोलता हूँ मैं स्वाभिमान के जिला अध्यक्ष हो, इवन यहाँ के लोकल जो एमएलए 145 के नरेंद्र मेहता साहब, उनके पास भी हमारे कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे लोग गए होते सिर्फ पानी ये मुद्दे के ऊपर कि भाई हमारा बेसिक मुद्दा है पानी, जो हमको नहीं मिल रहा है टाइम पे। आज 3-3 दिन के बाद यहाँ पे आधा घंटा भी पानी ठीक से नहीं आ रहा है, जो नहीं हो रहा है, और यहाँ पे ज्यादा टैंकर माफिया यहाँ पे बहुत है, जो जिसका रेट अभी आपको लेडीज लोग ने बताया, कोई 400 रुपए दे रहा है, कोई 300 रुपए में यहाँ पे टैंकर, वो भी टैंकर का पानी इतना गंदा है कि आप पी नहीं सकते। आपके, अच्छा, आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है कौन से वार्ड में आता है और कौन सी पार्टी से यहाँ पे नगर सेवक? अपना कांग्रेस महानगर और आपके नगर सेवक कौन कौन है यहाँ पे? यहाँ पे बेलानी मैडम है, अरोरा मैडम है, मांजरेकर साहब है और दलवी साहब। तो आपने इनसे कॉन्टेक्ट किया था पानी के लिए? ये देखो, अभी तक हम लोग ने सबसे पहला मांजरेकर साहब को निवेदन दिया था, यहाँ के जो राजू भोईर है उनको निवेदन दिया था, अभी 8-10 दिन पहले दलवी साहब यहाँ पे खुद आए थे, उन्होंने खुद पालिका अधिकारी को लेकर आए थे, यहाँ पे पानी का हाल देखा, मैंने भी उनको सबके सामने पूछा कि यहाँ पे सच में सुंदर सरोवर के अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने एग्री किया कि हाँ अन्याय हो रहा है। पिछले चुनाव में शायद मुख्यमंत्री आपके वार्ड से कुछ दूरी पे आए थे और उन्होंने 24 घंटे पानी का वादा किया था? नहीं है, कुछ नहीं, झूठा वादा है सब। तो मतलब पानी आपके पास नहीं है? नहीं, अभी कुल मिला के देखो, हम लोग का एक, मेरी बात सुनो, ये महाराष्ट्र, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। आज भी देखो, जो महाराजा ने जो गढ़ किला जो आज तक जीता है ना, उसके ऊपर आज हजारों पब्लिक आज भी मिलने के लिए जाते हैं, विजिट के लिए जाते हैं। वहाँ पे छोटा छोटा तालाब बना हुआ, आज भी वहाँ पे इतना ठंडा पानी पी के आता है। और ये तो शहर, ये मीरा भाईंदर शहर जो मुंबई के बाजू में है, आज भी ये जमीन के अंदर अगर 20-25 फुट नीचे जाएंगे तो आपको पानी मिलेगा, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। मुझे बाकी का मालूम नहीं, लेकिन हमारे कॉम्प्लेक्स में ये जो प्रॉब्लम है, ये सबका प्रॉब्लम है कि पानी नहीं है, हमको पानी चाहिए।
बस ये गुस्सा है लोगों का कि पानी ने इसके लिए वोट हम लोग नहीं करेंगे, लोगों का कहना है। ठीक है, हिंदी या मराठी आपको क्या प्रॉब्लम है बताएंगे हमें? मराठी में चले ना, मराठी तो बोला। इतनी सुंदर सरोवर मध्ये आज 15 वर्षापासून पाणी थोडंस तरी होतं, पण आज 3 वर्षापासून पाण्याची इतकी तकलीफ आहे की आम्हाला टँकर विकत घ्यावं लागतं आणि प्रशासनाला मी लेटर देऊन सुद्धा ती काय दखल घेत नाही ते पाण्याची। आम्ही किती टँकर घ्यायचे पाण्याची विकत? जर 250-300 रुपये टँकर असेल तर आम्ही 1-2 दिवस रोज महिन्यातून किती टँकर होणार? हे किती पैसे भरायचे आम्ही? आम्हाला इथे राहायचं आहे, आम्ही माणसं आहेत की जाणार आहेत? आमच्या काळचे घ्यायला नको का त्याने? पाण्याचे आम्ही एवढे लेटर देऊन जर का शासनाला आम्हाची परवानगी आहे, आमची जर काळजी घेत नाही पाण्याबद्दल, तर आम्ही माणसं आहेत की जाणार आहेत? प्रशासनाने आणि इथे नगरसेवक जे येतात निवडून इथे, ते सुद्धा याची काळजी घेत नाही। त्यांना कितीही लेटर दिलं तरी त्याकडे लक्ष देत नाही, ते तेवढ्यापुरते येणार आणि तेवढ्यापुरते बोलून जाणार, शेवटी पुन्हा तो प्रॉब्लेम आहे तो आहे। आम्ही या गोष्टीचा किती त्रास घ्यायचा किती? आम्ही प्रशासनाने याच्याकडे लक्ष जातीने दिलं पाहिजे आणि आम्हाला हाच मोठा प्रॉब्लेम आहे पाण्याचा। नगरसेवक कोण आहे यहाँ पे? हेमा बेलानी। हाँ हेमा, हाँ यहाँ पे हेमा बेलानी नगर सेवक है। तब से हम लोग का हाल चाल पूछने नहीं आई कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम है। हम लोग पानी पानी के लिए तड़प रहे हैं, एक दिन पानी आता है तो हम लोग 3 दिन चलाते हैं। आप हेमा बेलानी जी से कांटेक्ट किया आपने? हेमा बेलानी से कांटेक्ट नहीं है, हम लोग के पास ना आना चाहिए उनको। वोटिंग भी आ गए, हम लोग का हाल चाल भी पूछने कोई नहीं आया। तो फक्त बोलून जाणार भेटून जाणार, मग मला सांगा हा प्रॉब्लेम सॉल्व कसा होणार? जर जर शासन सुद्धा इथे लक्ष घालत नाही तर प्रॉब्लेम आम्ही सॉल्व करायचा कसा? की इथे माणसं आहेत की जनावरं राहतात, त्यांचा प्रॉब्लेम सॉल्व कोणी करायचा? तुम्ही सांगा ना मला। तुम्ही आज जरी मीडियामध्ये आमचं घेऊन दाखवता, ते बघणार फक्त आणि करणार काय? काय करणार नाही, हे तेवढ्या पुरतंच होतं। तर याचं सोल्युशन निघालं पाहिजे, तरच हे आमचं विरोधी दाखवा। अन्यथा शासन जर काय झालं नाही तर मग आम्हाला पुढची कारवाई सुद्धा करता येते। उद्या आम्ही मोर्चा नेला तरी सुद्धा तेच होतं की मोर्चा नेऊन सुद्धा आमचा प्रॉब्लेम सॉल्व होत नाही। तिथे गेल्याच्या नंतर ते शासनाकडे जा, कुठे वरती जा, कुठे काही जा, पण पाण्याचा प्रॉब्लेम सॉल्व होत नाही। तर याच्यासाठी आम्ही अगदी आमच्या सगळ्या सुंदर सरोवराच्या वतीने आम्ही विनंती करतो की आम्हाला इथे पाण्याचा प्रॉब्लेम सॉल्व झाला पाहिजे। बस आमची एवढीच विनंती, आग्रहाची विनंती आहे। चार वर्षापासून प्रयत्न चालले सोसायटीचे सगळ्यांचे, लेटरच्या नावाने फक्त आश्वासनं दिली जातात गव्हर्नमेंट कडून। जी कोणी गव्हर्नमेंटची माणसं येतात तात्पुरता येऊन जातात, फक्त तेवढीच लॉलीपॉप दाखवतात की आम्ही करू 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 बस। नंतर पुन्हा आहे तो प्रश्न आहे, गेल्या 3 दिवसापासून बिन पाण्याने इथले लोक राहत आहेत, आता इथे कसं सर्व्हाइव्ह करायचं माणसांनी? आप लोग अभी पानी कहां से मंगा रहे? टैंकर से मंगा रहे हैं। हर एक टैंकर वाला अपना अपना रेट बताता है, कोई 500 देता है, कोई 400 देता है। तो ऐसे आप सोसाइटी अलग अलग मंगा दी या हर एक लोग अलग? घर अपना अपना इंडिविजुअल टैंकर मंगा रहा है। कितने का आता है एक टैंकर? एक टैंकर नहीं बोले तो 450 का आता है। हर एक फैमिली ने 400 रुपए पानी 400 रुपए में। यस, हफ्ते में कितने दिन मंगाना पड़ता है? हफ्ते में दो दिन तीन दिन भी मंगाना पड़ता है। अगर फैमिली बड़ी है तो उनको तो रोज मंगाना पड़ता है, रोज मंगाना। 3 दिन में एक बार पानी आएगा, इंसान रहेगा या नहीं रहेगा, ग्राउंड में रहना है या नहीं रहना है, वो सवाल अभी पैदा होने लगा। बीएमसी का इससे अच्छा है बोरीवली में जो चौल में रहने वाले लोग है वो बहुत सुखी है। 2 घंटा पानी आता है उनको, पर इतना काफी आता है। तो यहाँ पे मीरा रोड में रहना है, मीरा रोड का विकास करेंगे, ये करेंगे, बड़े बड़े मेयर बोल के सिर्फ जाते हैं, तो विकास कहाँ है? अगर पानी ही नहीं है तो विकास कैसे होने वाला है? आपने इस विषय में किससे किससे शिकायत की थी आपने? सर हर किसी जो कोई भी मेंबर इलेक्ट हुआ है, हर साल हर एक मेंबर के पास हम जा चुके हैं। मुझे किसी के नाम लेने नहीं है, मुझे कोई गवर्नमेंट को दोष देना नहीं है। हर साल सरकारें बदलती है, अभी कल इलेक्शन होने वाला है, वापस सरकार बदलेगी, वापस हमें यही लेके जाना पड़ेगा, वापस वही दोहराएंगे क्या? हर साल यहाँ पे इंसानों को रहना है या नहीं रहना है? नहीं, जैसा कि आप कह रही 4 साल से ये मुद्दा चल रहा है, तो आपके जन प्रतिनिधियों ने आपको क्या जवाब दिया, चाहे वो नगर सेवक? बस करेंगे, हो जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व। बस सिर्फ आशा दिखाई है हमको, प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो वो अपना अपना रंग दिखाते हैं। तो आप ये जो नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी इलेक्शन में जा रहे थे, उसकी जो मूल समस्या है वो पानी ही है? मेन समस्या यहाँ की पानी है। मीरा रोड में आज 24 घंटे पानी आएगा। 3 साल पहले ये सरकार आने से पहले, आज जो सरकार प्रेजेंट में है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था 3 साल पहले कि अगर मेरी सरकार आई यहाँ पे तो हम 24 आवर्स पानी देने वाले मीरा रोड। दिया था कि नहीं?
गणेश फेस्टिवल में आके जाते हैं, नवरात्रि में आके जाते हैं और बड़े बड़े लंबे लंबे स्पीच देके जाते हैं। अरे यहाँ पे एक घंटा पानी आए ना तो काफी है। तो आपके यहाँ पे भी चार नगर सेवक है, चारों नगर सेवक किस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिन्होंने आपसे कहा कि तीन साल जो भी पार्टी है मुझे कोई पॉलिटिशियन को दोष नहीं देना। अगर वो हम उनको इलेक्ट करते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि हमें जो बेसिक नीड्स है वो प्रोवाइड करें। कोई भी गवर्नमेंट हो हमें बेसिक नीड्स चाहिए ही चाहिए, बस यही हमारा क्वेश्चन है और यही हमारा सवाल है। अभी कल इलेक्शन होगा, वापस गवर्नमेंट बदलने वाली है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो वोट नहीं।